हाय गाइस, तो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग। मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्म में। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं विटामिंस। तो फ्रेंड्स विटामिंस आप जनरली जानते हैं क्या होते हैं विटामिंस। देन फ्रेंड्स क्या है कि हमने फार्माकोग्नोसी में यहाँ पर कुछ ज़्यादा लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। उसका रीज़न फ्रेंड्स यही है क्योंकि क्या चाह रहे हैं हम, चाह रहे हैं यहाँ पर आपके जो फार्माकोग्नोसी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करा दें, जिससे बाद में क्या आपका फार्मास्यूटिकल्स भी यहाँ पर कवर करें। देन एक सब्जेक्ट हम यहाँ पर आपका और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो फार्मास्यूटिकल आपकी केमिस्ट्री है फ्रेंड्स, वो जो 5 चैप्टर आपका है उसके आगे को थोड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि उससे पहले जितने चैप्टर्स आपने आई होप सभी सफिशेंट से यानी कवर कर ही लिए होंगे। देन क्या है कि जो सेकंड ईयर की आपकी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो आपकी फर्स्ट ईयर में आ गई है, यानी आपकी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में इस टाइम है उसकी जो 5th चैप्टर से आगे को आप स्टडी करेंगे वो सभी किसके पहले फ्रेंड्स, वो सेकंड ईयर में था, क्योंकि उसके क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्स काफ़ी हार्ड हैं। इस वजह से क्या है कि बच्चों को समझ में नहीं आया। पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात भी हुई फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मुझे कुछ पता चला कि क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ रही है केमिस्ट्री वहाँ पे स्टडी करने में। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, फार्माकोग्नोसी कम्प्लीट्स होते ही इसकी जगह पर हम क्या करेंगे आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आज पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं विटामिंस। तो जनरली फ्रेंड्स विटामिंस के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा मल्टी विटामिंस, यानी आपको किसी को भी वीकनेस वगैरह आ जाती है, विटामिंस की कमी बॉडी में हो जाती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर के थ्रू एक ही चीज़ आपको मोस्टली दी जाती है, मल्टी विटामिंस। अब मल्टी विटामिंस तो फ्रेंड्स बहुत ही सारे विटामिंस होते हैं, तो यहाँ पर हम विटामिंस के सभी के बारे में क्या करने वाले हैं आज स्टडी करने वाले हैं। तो जनरली तो आपको अगर फ्रेंड्स विटामिन देखे जाए तो क्या होता है विटामिंस, कुछ जो मेन विटामिंस होते हैं जैसे कि विटामिन ए फ्रेंड्स होता है, देन विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, डी होता है और विटामिन B12 होता है। फ्रेंड्स और भी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं लेकिन क्या है कि जनरली ये ऐसे विटामिन्स जनरल लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली इन्हीं की बॉडी में क्या होती है फ्रेंड्स कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको विटामिन ए की कमी है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा फिर आपको रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिससे शाम के टाइम्स के बाद में क्या होता है नाइट में समटाइम दिखना बंद हो जाता है। देन जो फ्रेंड्स बी होती है इससे कौन सी डिसीज़ होती है, तो इससे बेरी डिसीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जिससे क्या होता है आपकी स्किन पे क्या होता है वो स्किन पे इन्फेक्शंस वगैरह होने को मिल जाता है। देन फ्रेंड्स विटामिन सी जो होती है ये स्कर्वी डिसीज़ इससे नॉर्मल देखा है, जिससे कि आपके टीथ वगैरह से ब्लीडिंग होना पाइला वगैरह फ्रेंड्स इससे होता है। जैन विटामिन डी जो होती है फ्रेंड्स इससे क्या होता है, नॉर्मली विटामिन डी आप इजीली ले सकते हैं, सुबह सुबह क्या होता है जो आपका सूरज जो फ्रेंड्स सुबह सुबह में निकलता है ना, तो आप उसकी फ्रेश जो एक स्टार्टिंग की जो उसकी फ्रेंड्स धूप होती है, तो उससे क्या होता है आपको इजीली आप विटामिन डी उसमें ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो विटामिन डी भी आपकी बॉडी के लिए क्या होती है वहाँ पे एसेंशियल्स होती है। देन फ्रेंड्स जो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स होता है उसके प्रोडक्शंस के लिए भी क्या होता है आपको जो विटामिन डी यहाँ पे एसेंशियल्स देखी जाती है। देन विटामिन B12 फ्रेंड्स तो क्या है सभी के बारे में हम आपको कहाँ पे किसी और सब्जेक्ट में पूरी डिटेल्स में स्टडी करा देंगे, देन यहाँ पे क्या है आपको सिर्फ थोड़ा बेसिस इसके बारे में जानना है। जैसे कि विटामिन्स आर नेचुरली सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, तो फ्रेंड्स क्या होते हैं विटामिन्स जो होते हैं नेचुरली एक तरह से क्या होते हैं सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम फाउंड करते हैं कहाँ कहाँ से हम कंटेंस करते हैं, जैसे कि प्लांट से भी हम इनको कंटेंस करते हैं फ्रेंड्स, और साथ ही में एनिमल से भी हम इनको क्या करते हैं कंटेंस करते हैं। एंड नोन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बींग्स, अब एक तो विटामिन्स के नाम से हम इनको जानते हैं, देन सेकंड हम इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी क्या कर रहे हैं एक तरह से बॉडी में न्यूट्रिएंट का वर्क कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि क्या होता है बहुत सी टाइप्स की आपको क्या होता है फ्रेंड्स कमी हो जाती है बॉडीज में विटामिन्स की, जिसके लिए क्या होता है आपको बाहर से विटामिन्स वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करने की वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। तो सबसे पहले इस विटामिन नाम को जो फ्रेंड्स वहाँ पर लिया गया था वाइटल अमाइन से लिया गया था। देन चलिए इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। जैसे कि विटामिन्स नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स से एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, देन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स क्या करते हैं वर्क करते हैं। देन आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी, साथ में एक विटामिन B12 भी फ्रेंड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन सी अब ड्रग्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो शार्क लीवर ऑयल है फ्रेंड्स ये एक तरह की ड्रग ही आप कह सकते हैं इसको। चलिए तो शार्क लीवर ऑयल जो होती है फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं कि किसी प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, ये किया जाता है शार्क के लीवर से, यानी शार्क लीवर ऑयल। तो इसको 3 पार्ट्स में फ्रेंड्स शार्क यानी शार्क हो गई, लीवर यानी शार्क का लीवर हो गया, और ऑयल यानी जो शार्क के लीवर से आप ऑयल ऑब्टेन कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे शार्क लीवर ऑयल कहते हैं फ्रेंड्स। चल देख लेते हैं इसके सिनोनिमस यानी अदर नेम भी कौन कौन से हैं जिनसे हम इसको जानते हैं, तो ओलियल सेलेकोइड्स। तो फ्रेंड्स क्या है कुछ ऐसे होते हैं जिनको लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, आप इसको एडजस्ट करें। देन बायोलॉजिकल सोर्स फ्रेंड्स हम इसके देख लेते हैं यानी क्या बायोलॉजिकल सोर्स है यहाँ पे शार्क लीवर ऑयल को कंटेंस करने की। तो क्या होता है फ्रेंड्स शार्क लीवर ऑयल जो होता है जिसे हम फिग ट्री ऑयल भी कहते हैं और इसको हम कंटेंस करते हैं लीवर ऑफ हाइपोपिलम
ब्रेविलोथेरेटिस। तो क्या होता है फ्रेंड्स, नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है, और भी शार्क होते हैं जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन चल देख लेते हैं फ्रेंड्स फैमिली, तो कौन सी फैमिली है जिससे कि ये कंटेंस हुआ है। तो फ्रेंड्स ये होता है कार्चराइनिडे। तो फ्रेंड्स ये फैमिली होती है जिससे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंटेन करते हैं शार्क लीवर ऑयल को। ये वो फैमिली है फ्रेंड्स जिसमें शार्क लीवर ऑयल को यहाँ पे हमने रखा हुआ है। देन देख लेते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स। अब ये जो शार्क है कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे पाई जाती हैं। इंडिया के तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में क्या होता है, मोस्टली इनको पाया जाता है जो समुद्र वगैरह मतलब यानी आपके जो नदियाँ वगैरह हैं उनमें। देन यूरोप इंडिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्या होता है, ये पाया जाता है। देन देख लेते चलिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होता है यहाँ पे शार्क लीवर ऑयल का। तो फ्रेंड्स इसका कलर जो होता है पेल येलो होता है, देन ये ब्राउनिश येलो भी फ्रेंड्स इसका होता है। देन इसका ऑर्डर जो होगा फिशी होगा, यानी क्या है, फिश की तरह की होती है, इसमें से स्मेल वगैरह या सब चीज़ जो होती है फ्रेंड्स होती है। देन इसका टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स वो भी फिशी होता है, क्योंकि शार्क फिश फ्रेंड्स क्या है, नॉर्मल देखा जाए तो एक सेमी प्रजाति की होती है, इसलिए क्या होता है ये फिशी फिशी सब होता है। देन फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम इसके केमिकल कॉन्सिस्टेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या केमिकल कॉन्सिस्टेंट्स होते हैं यहाँ पर शार्क लीवर। तो इट इज़ कंटेंट फॉलोइंग, तो फ्रेंड्स फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कंटेंट होता है यहाँ पे शार्क लीवर ऑयल। जैसे कि मान लीजिए शार्क लीवर ऑयल का आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा फ्रेंड्स, विटामिन ए भी आपको मिल जाएगा, देन विटामिन डी आपको मिल जाएगा, साथ ही में फैटी एसिड आपको मिल जाएगा क्योंकि ऑयल उसके अंदर है, तो फैटी एसिड तो फ्रेंड मिलेगा जनरली। ओलिक एसिड भी इसी वजह से मिलेगा क्योंकि ऑयल है, देन लिनोलिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये सब क्या है, ऑयल की वजह से इसके अंदर प्रेजेंट्स होंगे। देन विटामिन है, तो विटामिन ए एंड विटामिन डी भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, यानी आप एक तरह से देख सकते हैं आपकी बॉडी के लिए कितना एसेंशियल है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें विटामिन ए भी आपको मिल गया, विटामिन डी भी मिल गया, और साथ में फैटी एसिड और अदर भी इसमें लिनोलिक एसिड या ओलिक एसिड फ्रेंड्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट में। देन चलिए देख लेते हैं थेरापोटिक यूजेस फ्रेंड्स इसे क्या होंगे। तो फर्स्ट यूज़ तो आप अपनी तरफ से इसमें बना के लिखते हैं, जैसे क्या करते हैं दो यूज़ तो फ्रेंड्स आप इसका नॉर्मल लिख ही सकते हैं, यानी इस कैटेगरी के टू यूज़ आप याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम्स में आता है तो आप इजीली लिख लेंगे। जैसे कि इट इज़ यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट्स फॉर बॉडी, यानी एक न्यूट्रिएंट के रूप में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, दो ना क्या एज ए मल्टीविटामिन के तरह भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है एक तो फ्रेंड्स होता है विटामिन, देन इसमें टू या मोर मल्टीविटामिन वहाँ पे प्रेजेंट्स हों तो उसके लिए क्या होता है मल्टीविटामिन की कैटेगरीज में आ जाता है। जैसे कि आप कभी भी ड्रग्स फ्रेंड्स खा रहे हैं कोई भी टैबलेट्स मल्टीविटामिन की, तो आप उस पर अच्छे से देखें क्या होता है, उसमें बहुत ही सारे विटामिन एक जगह ऐड होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक ही विटामिन को आप मल्टीविटामिन वहाँ पर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी में आप इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी में भी आप क्या कर सकते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन डी क्या होते हैं दोनों ही इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्टडी किया था प्रेजेंट्स होते हैं। देन एज ए मल्टी विटामिन हम इसका यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स प्रोवाइड एनर्जी, तो मान लीजिए आप अलग से क्या करें, आपको एनर्जी वगैरह लॉस हो रही है बॉडी में, आप मल्टी विटामिन वहाँ पर खाएंगे तो आपको क्या करेंगे प्रोटीन की तरह क्या करेंगे ये भी एनर्जी आपको प्रोवाइड्स वहाँ पर कराएंगे। देन एज ए न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट की तरह भी क्या करते हैं आपके बॉडी में ही यूज़ किए जाते हैं। एंड एज ए विटामिन, तो फ्रेंड्स एज ए विटामिन की तरह तो आपकी बॉडी में यूज़ किए ही जा रहे हैं। देन सेकंड यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कोड लीवर ऑयल, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये भी कोड लीवर ऑयल, यानी आप फिर कोड के लीवर के ऑयल से आप क्या कर रहे हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ओलियम मोरी जो होता है इसका एक सिनोनिम्स होता है जिससे हम अदर नेम से हम इसको जानते हैं। देन चलिए देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्स फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगी इसकी, तो इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ कोड फिश, तो क्या होता है जो फ्रेश फिश होती है फ्रेंड्स यानी कोड लीवर उसका जो होता है उससे हम क्या करते हैं इसको कंटेंस करते हैं। वो कौन सी फिश फ्रेंड्स होती है यहाँ पे शार्क, तो रेडस मोर हुआ फ्रेंड्स, क्या होती है जो रेडस मोर हुआ होती है उसके जो लीवर्स होता है फ्रेश लीवर उसका, ऐसे नहीं फ्रेंड्स उसका यानी मरे हुए शार्क का आप यूज़ कर सकते हैं, उसका जो फ्रेश लीवर्स होता है यानी जिंदे शार्क के लीवर से आप क्या करेंगे इसको ऑब्टेन करेंगे। देन फ्रेंड्स इसकी फैमिली चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी फैमिली जो होती है फ्रेंड्स गेटी ऐसी फैमिली होती है जिसमें इसको रखा हुआ है। देन चलिए देख लेते हैं ज्योग्राफिकल सोर्सेज फ्रेंड्स क्या होंगे इसकी यहाँ पे, तो बहुत ही सारी ऐसी कंट्रीज है फ्रेंड्स जहाँ पे पाया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर कंट्री में मिल जाता है, कुछ ही ऐसी गिनी चुनी कंट्रियाँ यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड में मिल जाता है ये, देन आइसलैंड में मिल जाता है, जर्मनी एंड डेनमार्क और ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स क्या होता है ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है, क्योंकि आइसलैंड मान लीजिए क्या है वहाँ पर आइस ज़्यादा है या नदियाँ ज़्यादा है पानी ज़्यादा है, तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पर ही नॉर्मली आपको मिल जाता है। देन चलिए इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका कलर जो होता है पेल येलो होता है। अब जो कोड लीवर ऑयल की फ्रेंड्स आपने पिल्स चलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी पिल्स तो क्या होते हैं फ्रेंड्स ये येलो येलो कलर की है देखने में यहाँ पे आपको पता चल रहा है, तो ये करते हैं एक मल्टीविटामिन की तरह यहाँ पे आप क्या करते हैं इनका यूज़ करते हैं।
इसका पहले येलो फ्रेंड्स कलर होता है, साथ में ऑर्डर जो होता है इसका फिशी होता है। देन टेस्ट भी इसका स्लाइटली अगर देखा जाए तो फिशी ही फ्रेंड्स होगा। तो साइज़ फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि साइज़ इसका कहीं से कहीं तक फ्रेंड्स नहीं मिला। देन केमिकल कॉन्सटेंट्स हम इसका देख लेते हैं, तो इट कंटेंट्स ऑफ फॉलोइंग। तो क्या होते हैं फ्रेंड्स ये केमिकल कॉन्सटेंट्स, पीछे जैसे कि शार्क लीवर ऑयल में आपने पढ़े थे विटामिन ए विटामिन डी, ये भी फ्रेंड्स क्या होते हैं दोनों इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट्स होते हैं। द ऑयल कंटेन ग्लिसराल एस्टर ऑफ ओलिक एसिड। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसको हम कंटेन करते ग्लिसराइड एस्टर से ओलिक एसिड के। देन लिनोलिक एसिड कोडलिक एसिड मेजिस्टिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये क्या है इसके केमिकल कॉन्सटेंट्स हैं। देन लास्ट में इसके केमिकल कॉन्सटेंट्स फ्रेंड्स हम देख लेते हैं डोकोसाहेडोनिक एसिड्स। तो फ्रेंड्स ये भी इसका केमिकल कॉन्सटेंट्स है जो इससे कंटेन किया जाता है। देन इसके यूजेस, तो फ्रेंड्स जो थेरापोटिक यूजेस आप इसके सेम लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्या है जो शार्क लीवर ऑयल वो भी मल्टीविटामिन है। देन ये भी क्या है फ्रेंड्स एक मल्टीविटामिन है। देन ये भी लीवर से ऑप्टेन होता है, देन वो भी लीवर से ऑप्टेन होता है, और दोनों क्या है मल्टीविटामिन की कैटेगरीज में। तो फ्रेंड्स इसका यूजेज जो है आप सेम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। देन इतना फ्रेंड्स समझाने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस फिर भी इसमें से लग रहा है कि कुछ होना चाहिए तो फ्रेंड्स तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। देन इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स मिल जाएंगे। देन फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, देन अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स हो सके। देन फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, जिससे क्या है कि हम जल्दी से जल्दी आपको पूरा ही सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।